नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में आज आपका ट्वेंटी सेकंड ऑफ मे और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है चेक करेंगे उसी के साथ साथ तो अगर आप लाइक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये एक फीडबैक मुझे चाहिए था आपके एंड से वो ये है कि हमारे वेबसाइट में तो आपका जैसे आपको पता है कि अगर सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा सारा हेडलाइन इंपॉर्टेंट न्यूज सारी चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाती है सो अभी हमारे वेबसाइट में दो प्लान्स है एक है मंथली प्लान एक है ईयरली प्लान सो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे आ, अगर आप चाहते हैं तो फिर वहाँ पे एक ट्रायल ऑफर हम डाल सकते हैं आ, एक दिन का या दो दिन का जो ट्रायल ऑफर होता है तो या एक हफ्ते का जो ट्रायल ऑफर होता है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको ट्राई आउट करने के लिए बिकॉज uh, उसमें क्या होगा कि आपको भी देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद डेफिनेटली दिस इज़ मोर ऑफ सेल्स पिच कि अगर आप उसमें इनरोल करते हैं तो फिर आपका डाटा मेरे पास आएगा मैं आपको फिर मार्केटिंग करवाऊंगा एंड आई एम बिंग वेरी ऑनिस्ट यही आपका लोग जो है करते हैं बट स्टिल uh, मैं आपसे फीडबैक ये इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि आपसे जो है फीडबैक मिलेगा तो मैं अपने प्रोडक्ट्स या हमारी वेबसाइट या हमारे जो सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रायल ऑफर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ट्रायल ऑफर में अगर देते हैं तो उसमें आप इंटरेस्टेड होंगे या क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगा और क्या क्या फीचर्स अगर आप चाहते हैं हम ऐड करें ताकि आपको और बेनिफिट मुझे, मुझे डेफिनेटली सेक्शन में बताएगा तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं उसी के साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि आज न्यूज में उतना ज्यादा मूवमेंट है नहीं और मोरलेस मतलब जो घर की खबर गॉसिप टाइप का जो चीज़ है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बट एक बहुत अच्छा चीज़ हो चुका है वो है कि जो बी का जो मार्केट कैप है वो फाइव ट्रिलियन डॉलर वो क्रॉस कर चुका है विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग दैट शोज अ लॉट ऑफ मनी इज देर इन द मार्केट और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें यानी बी में जो आपका मार्केट कैप है वो अगर फाइव ट्रिलियन डॉलर है सो दट शोज अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इन द स्टॉक मार्केट लोग जो है वो भर भर के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर जो पैसा है वो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है डी आई आई देसी इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्ट कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर भी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और जो गोरा है यानी आपका एफ आई आई जो है वो भी यहाँ पे डाल रहा है सो अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इन टू द मार्केट एंड दैट शोज दैट अ लॉट ऑफ मनी कैन बी इजिली एक्सेस पहले क्या होता था कि कैपिटल मार्केट्स को उतना इजिली एक्सेस नहीं किया जा सकता था वहाँ पे बहुत सारे फेक फ्रॉड होते थे और जैसे पीपी वाटर बॉल्स आपने देखा होगा मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब में दूसरा वीडियो एक बार सर्च कर लीजिए पीपी वाटर बॉल्स जसपाल भट्टी ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो पीपी -पी वाटर बॉल्स का जो वीडियो है वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए सो so, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि एप्पल जो है इंडिया में उसका मैनुफैक्चरिंग कर रहा है जो आईफोन का मैनुफैक्चरिंग कर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुल देर ऑल्सो स्टार्टिंग टू डेवलप एंड मैनुफैक्चर देर सबसे हाई एंड जो होगा दैट विल बी मोर लाइक दे आर कंप्लीटली मूविंग आउट ऑफ चाइना और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो वो रिड्यूस करेंगे जब वो आईपैड यानी जो कंप्यूटर है वो जब मैकबुक या आई uh, मैक ये सब बनाना जब शुरू करेंगे इंडिया में दैट शोज़ दैट इंडिया में वो कैपेसिटी हो चुका है ऑलजो यहाँ पे इंडिया में प्राइमरीली आपका असेंबली का काम होता है फिर उसको फिनिश करके जो है आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको सेल किया जाता है बट स्टिल अगर हम यहाँ पे और जैसे ऑलरेडी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री उन्होंने तैयार किया क्योंकि एप्पल का डिमांड है कुछ ही प्रोडक्ट है दो तीन ही प्रोडक्ट है बट उसका वर्ल्ड वाइड इतना डिमांड होता है कि उसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं या जो एप्पल जब उसको प्रोड्यूस करता है तो फिर वहाँ पर एक बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट होता है

है सो डिक्शन इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो डिक्शन के पास बहुत सारा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आ रहा है सो so, और ये नोएडा या नॉर्थ ईस्ट एनसीआर रीजन में बेस्ड आपका कंपनी है सो दे आर डूइंग रियली रियली वेल पर आपको यह समझना पड़ेगा कि गूगल पिक्सल जो है वो उतना फेमस नहीं है जिस तरीके से एप्पल जो है एक ब्लॉकबस्टर है उस तरीके से आपका गूगल का जो पिक्सल है वो उतना ब्लॉकबस्टर अभी तक तो मार्केट में जो भी हिस्ट्री है गूगल पिक्सल का वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया सो दीज आर दी दिंग्स विच टू कीप इन माइंड बट स्टिल इंडिया में अगर वो मैनुफैक्चरिंग करते हैं डिक्सन को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो है गवर्नमेंट से आई टू टू आई मतलब यस इन लेइंग एआई फाउंडेशन सो जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के कुछ कुछ एंटरप्राइजे हैं जिसने आपका रेवोल्यूशन लाया है इंडिया में एंड ग्लोबली भी वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं वन थिंग इज़ यूपीआई यूपीआई जो है वो आपका गवर्नमेंट फंडेड है गवर्नमेंट ने बेसिकली उसको शुरू किया है एन पी जो है उसको इंप्लीमेंट करता है उसका रिसर्च करता है तो so, कुछ कुछ चीज़ें जो है उसने बहुत अच्छा एक क्रांति बोल सकते हो कि रेवोल्यूशन आपका डिजिटल रेवोल्यूशन वो इंडिया में ला चुका है तो इस जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि भाई वी वॉन्ट टू डेवलप आवर ओन फाउंडेशनल मॉडल फॉर ए आई फॉर यूज बाई इंडियन कंपनीज सो यूज बाई इंडियन कंपनीज का मतलब होता है कि प्राइमरीली जो गवर्नमेंट प्रोस गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ज़्यादातर काम जो है वो मैनुअली किया जाता है अभी ज्यादातर काम जो है डिजिटाइज हो चुका है और उसको अगर हम ऑटोमेट करते हैं तो और भी ज़्यादा वो सिंप्लीफाई होगा और वहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगा और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट का जो डिपेंडेंसी होता है ऑन मैनुअल लेबर वो रिड्यूस हो जाएगा और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आउटसोर्स की जा सकेंगी और प्राइवेट सेक्टर को जब भी हम आउटसोर्स करेंगे आ, एक पब्लिक सेक्टर में सॉरी प्राइवेट सेक्टर में पैसा आएगा उसी के साथ साथ आ, आपको ये देखने को मिलेगा कि काम जो है जल्दी जल्दी होगा यहाँ पे फेमसली जैसे आपको बताया कि एस में लंच आवर वाला जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या ज़्यादातर जो ब्यूरो मतलब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो गया आपको पता है कि कितना स्पीड में वहाँ पे काम होता है वही चीज़ अगर आप जैसे सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से रेवल्यूशन हुआ है जैसे आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो एग्जीक्यूशन होता है वो आपका टीसीएस करता है आ, और वहाँ पे जैसे आपका चेकिंग हो गया या डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गया फिंगरप्रिंट लेना हो गया लास्ट में आईबी का आदमी एक बैठा रहता है वो चेक करता है कि भाई आप क्रिमिनल हो या नहीं हो दैट्स इट गवर्नमेंट का एक ही आदमी बैठा रहता है आई बी और उसके बाद पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आपके पास आता है पुलिस वेरीफिकेशन में भी आपसे क्या मांगा जाता है आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो चेकस एंड बैलेंसेस नहीं होते तो फिर वहाँ पर करप्शन होता है जब चेक्स चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं प्राइवेट सिंपल भाषा में कहें जब उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है फोकस होता है एफिशियसी के ऊपर तब वहाँ पर करप्शन कम हो जाता है और एफिशियसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है द इनिशिएटिव कुड बेनिफिट इंडियन कंपनीज एंड ऑन्टरप्रनर्स आर वर्किंग ऑन एआई डोमेन और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलिकॉन वैली में या अगर हम देखें जो अमेरिकन कंपनीज है वहाँ पे ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं वो आपके इंडियन ही हैं तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है एक्सपर्टीज है नॉलेज है और वही चीज़ इंडिया में आ, लाया जा सकता है और उसको ऑप्टिमाइज़ करके हमारे सिस्टम uh, को तैयार किया जा सकता है एस का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है प्राइमरीली यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये कॉम्पैक्ट एसीवी होता है ये एस एक्चुअली है नहीं बट इसको सी कॉम्पैक्ट एसीवी बोला जाता है हाइट क्योंकि ज़्यादा उसका टाटा निक्सॉन टाटा पंच मावती ब्रेजा होंडा एक्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो महिंद्रा बोलेरो और बोलेरोनियो उतना चलता नहीं but बट बोले इज ऑल्सो वेरी गुड सो इसमें जगह पे वही आपको देखने को मिल रहा है कि जो टाटा मोटर्स है मारती सुजुकी महिंद्रा महिंद्रा देर प्राइमरी फोकसिंग वर्ट दे they प्राइमरी फोकसिंग ऑन on कॉम्पैक्ट compact भी जो आठ लाख से पंद्रह लाख के सेगमेंट में है वो बहुत ही ज्यादा जो है डिमांड में है और जो लो इनकम ग्रुप है जो टू व्हीलर से फोर व्हीलर मूव करें उनका प्राइमरी चॉइस जैसा आपको पता है उनका प्राइमरी चॉइस है आपका मारुति सुजुकी और फ्यूल के मामले में जैसे आपको पता है फ्यूल इज ऑलरेडी वेरी वेरी एक्सपेंसिव सो ईवी पे हल्का फोकस है हल आपका डिमांड जो है आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है सीएनजी का सबसे ज्यादा डिमांड है uh, पेट्रोल क्योंकि सस्ता हो, सस्ता इन इजी टू मेंटेन होता है चीप टू मेंटेन होता है तो उसका डिमांड सबसे ज़्यादा है डीजल बिकॉज ऑफ नॉर्म्स वो बहुत ही ज़्यादा एफिशियंट होता है बट डीजल uh, जो एमिशन नॉर्म्स की वजह से डीजल इंजन को आस्ते आस्ते फेज आउट कर दिया जा रहा है दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट सो दैट्स अबाउट इट और और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि जो गर्मी बढ़ रही है गर्मी बारिश जब भी वेदर ख़राब होता है आ, सुहाना मौसम नहीं होता है तो लोग जो है वह होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे देश में एक इकोनॉमी जो है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको ब्लू कॉलर वर्कर्स को हायर किया जाएगा और किया जा रहा है वो है आपका लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग सो लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग के अंदर ही आपका ये आ रहा है और इनको जो हायरिंग और फायरिंग का काम होता है वो एच कंपनीज करती है सो ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है सो so, कौन से कम कौन से इंडस्ट्रीज कौन से कंपनीज इसका बेनिफिट उठाएंगी प्राइमेली मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का बेनिफिट उठाएंगी सबसे पहला बेनिफिट होगा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग टू व्हीलर फिर ज़्यादातर जो है फ्यूल कंपनीज़ जो पेट्रोल बेस्ट थी ओ फिर हायरिंग कंपनीज़ और फिर जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस जैसे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं वो अमेजोन हो सकता है फ्लिपकार्ट हो सकता है स्विगी हो सकता है जोमेटो हो सकता है ब्लिकिन हो सकता है सेप्टो हो सकता है तो वो सारे कंपनीज़ भी बेनिफिट लेंगे और ब्रोकर ये सारे कंपनीज भी बेनिफिट लेंगे और जो दूसरा दूसरे जो इंडस्ट्री जो है जिसको बेनिफिट होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आप अग्री करते हैं कि नहीं करते मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा बट आपको ये समझना पड़ेगा कि, कि किस तरीके से हर एक चीज जो है वो इंटर रिलेटेड होता है और कैसे लोगों का जो बिहेवियर जो है वो चेंज होता है क्योंकि जब भी आप सस्ता टिकाऊ और अच्छा चीज़ जब प्रोवाइड करते हैं जो पेन को रिड्यूस करता है उसका डिमांड हमेशा जो है बढ़ता है और उसका अडाप्टिबिलिटी यानी सोसाइटी में जो अडेप्टेसन है यानी कितना लोग उसको कंज्यूम करेंगे कितने लोग उसको परचेस करेंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सो so चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं क्योंकि यार हमने कल ही देखा था कि दो दो कंपनी में वो आपका एग्जिट करना चाहते हैं बेसिकली यूरो यूरोट्स में वो उसको सेल ऑफ कर देना चाहता है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है दैट दे आर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन दो हेल्थ केयर सोल्यूशंस हेल्थ केयर फार्मा आपका हॉस्पिटल ये सारे सेगमेंट में भी जो है दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी प्राइमरी मार्केट होता है कि यू में क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ होती हैं और सर्विसेज बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पे क्या होगा वो यूएस को सर्विस प्रोवाइड करेगा और वही चीज़ आपका सस्ते में इंडिया इंडियन जो हॉस्पिटल सेगमेंट है या मेडिकल सेगमेंट है वहाँ पर भी उसको सेल किया जाएगा लाइसेंसिंग के माध्यम से रेगुलर इनकम सब्सक्रिप्शन बेसिस में इनकम को जो है वो कमाया जाएगा सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग और मेडिकेशन मेडिकल लाइन में भी जो है बहुत ज़्यादा इनोवेशन जो है वो हो रहा है विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव जी ने आपका बोल रहे हैं कि चार सौ बत्तीस करोड़ उन्होंने खर्चा किया था जो सोनी के साथ मर्जर होने की बात थी सो so, बोल रहे हैं कि उनका खर्चा हुआ था चार सौ बत्तीस करोड़ बट कितना हुआ है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ नो ई टी ओ फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ एम डी एच एंड एवेट्स सैम्पल्स इथिलीन ऑक्साइड तो नहीं मिला था तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मीडिया जो है इसलिए अमेरिका या जितने भी गोरे देश होते हैं वो मीडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट इन्वेस्ट क्यों करते हैं हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि नैरेटिव नैरेटिव बिल्डिंग करना नैरेटिव को मेनटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे अगर आपको किसी ब्रांड को बदनाम करना होगा जैसे एवरेस्ट ये सारी चीज़ों पे आपको देखने को मिला था बदनाम जब करना होगा तो इश्यूज़ तो होते हैं हर जगह इश्यूज़ होते हैं कुछ वायलेशन भी होते हैं यू कैन डेफिनेटली फिक्स है रिकॉल करके मतलब बड़े बड़े कंपनीज का भी यही होता है बट यहाँ पे आ, यहाँ पे जब भी आप नेगेटिव को चलाते हैं तो फिर कंपनी के जो मतलब कंपनी एज अ होल और जो इंडियन कंपनी है उसके ऊपर जो है आप एक नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नाइस तो चलिए अगले न्यूज पे मूव करते हैं जेके टायर जो है टायर सेगमेंट ऑटोमोटिव सेगमेंट क्योंकि हर एक बस हो गाड़ी हो टू व्हीलर हो वन आपका फोर व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो हर एक में आपका टायर चाहिए होता है तो इसलिए आपका जेके टायर अपोलो टायर ये सारी जगह पे आपका आपका जो प्रॉफिट है फिफ्टी वो राइज हुआ विच इज़ एब्सोलुटली अमेजिंग फिफ्टी राइज हुआ है एंड ज्यादा उतना प्रॉफिट होता ही है बट मार्केट शेयर भी उसका बहुत कम है बट स्टिल फिफ्टी फोर परसेंट जम्प करना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक और नीचे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो वार्बर्क पिंकस है उसने आपका अपोलो में जो उसका ओनरशिप था उसको लिक्विडेट करेंगे जो उनका स्टेक था उसको लिक्विडेट करेंगे यानी प्रॉफिट बुकिंग करके हल्के से वो निकलने वाले हैं अरविंद फैशन का भी जो नेट है नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज थर्टी नाइन परसेंट और ये प्राइमरी आपका डेनिम और जो एंड फिनिश्ड क्लोथिंग होता है उस पर फोकस करते हैं अरविंद स्टोर है उसके माध्यम से इसको सेल करते हैं सो समथिंग इफ यू इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग सेगमेंट सो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं इंडिगो में जो है एक्स्ट्रा पैसेंजर को डिबोर्ड कर दिया गया था स्टैंड बाई पैसेंजर था उसको भी आपका वो फ्लाइट पर चढ़ गया था मुंबई वाराणसी और उसको कन्फर्म uh, टिकट वाले की जगह पे उसको बिठा दिया गया था और उसके बाद, बाद में जब वो टेक ऑफ करने वाला था उसको डिपोर्ट कर दिया था समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जैसे आपको पता है कि दे आर राइट ना फोकसिंग मोर ऑन वॉल्यूम और इंडिगो का जैसे ऑलरेडी मोनोपोली है मार्केट में तो इस जगह पे थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें होने वाली है और रिसेंटली आपने देखा था कि सिंगापुर एयरलाइंस में आपका हिटरबुलेंस के वजह से एक जन की मृत्यु हो चुकी है सो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे स्पेशली जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे आपको पता है कि बोइंग का दरवाज़ा खुल के गिर रहा है और फिर जिन्होंने टेस्टिफाई किया था वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपको उसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलता है सो बोइंग में बहुत सारे विसल ब्लोअर्स ने यह बताया था कि बोइंग जो है आपका कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बहुत सारे क्वालिटी के साथ बोइंग विसल ब्लोअर और ये सारी चीजें हो रही हैं और उसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि जो विसल ब्लोअर होता है विसल ब्लोअर का काम होता है कि भाई आपका आ, क्या बोलूँ मतलब कुछ भी अगर कंपनी में गलत चीज़ हो रहा है ना उसको एनोनिमसली आप जो है वो रिपोर्ट करते हैं ये काम होता है आ, आपका विसल ब्लोअर का ठीक है और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि ये मतलब हर जगह होता है कि कुछ कुछ लिस्ट ब्लोर जो है वो आपका ऊपर चले गए ऊपर चले गए फ्लाइट से ऊपर नहीं गए मतलब डायरेक्ट ऊपर चले गए उनको ख़त्म कर दिया गया और जैसा आप देख रहे हैं आपको पता है इसका मतलब क्या होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी तो जब भी किसी भी सेगमेंट में ये आपको समझना पड़ेगा किसी भी सेगमेंट में जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है और सप्लायर कम होता है डिमांड बहुत ज़्यादा होता है तो जो सप्लायर होता है वो थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है चीज़ों को थोड़ा कैजुअल तरीके से देखा जा सकता है और वही हो रहा है वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सो इस पर दिक्कत ही हो जाती है कि अगर आपका रेलवे पर जा रहे हैं तो अगर सोचिए कि चक्का टूट गया तो फिर वो मतलब ज़मीन पर ही रहेगा ठीक है थोड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है मतलब भयानक एक्सीडेंट नहीं थोड़ा बहुत आपका जो है इमरजेंसी ब्रेक लगा के मतलब यू विल एटलीस्ट भी इंजॉयड बट एयर एयरक्राफ्ट में क्या होती है कि एयरक्राफ्ट में अगर सोचिए कि टर्बाइन बंद हो गया ठीक है या पं जो एक विंग है टूट के चला गया तो आप तो जिंदा नहीं बचे ना कोई बचता नहीं है सब खत्म हो जाते हैं सो दैट इज वहाँ पे मार्जिन ऑफ फेर बहुत कम होता है तो इसलिए उस जगह पे जो एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चर है वो भी थोड़ा कैजुअल है जो एयर एयरलाइंस कंपनी है वो भी कैजुअल है तो सबको अगर इतना कैजुल होंगे तो फिर आपका जान भी जो है वो कैजल हो जाता है सो so, थोड़ा सा केयरफुल हो गया आप चलिएगा क्योंकि जो ऑप्शन हैं जो एंड कस्टमर है यानी आप और हम जो जो जाना चाहते हैं हैं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही क्या है कोई ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी में जाना पड़ता है और मजबूरी का, का करने वाला है, क्या करने वाला है? आपका ईथेन क्रैकिंग यूनिट वो बनाएगा सेहो और मध्य प्रदेश में और उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब वो ईथेन क्रैकिंग यूनिट बनाएंगे आपका मिडिल ऑफ इंडिया प्रदेश में तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस एरिया में दूसरे स्टेट्स में वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि गेल ने बहुत ही तगड़ा लेवल का आपका नेट प्रॉफिट जो है वो शो किया है क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है और इस ये दिखाता है कि पेट्रोल जैसे प्राइमरीली आपका गैस जो है गैस मतलब गेल क्या है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सो नेचुरल गैस का सी का पी का ये सारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल पर आपका जो है ग्रो कर रहा है और उसको वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं बिकॉज uh, जो क्रूड ऑयल से जो डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल का जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा आपका फ्लक्चुएट कर रहा है सिल्वर का प्राइस भी जो है वो बढ़ रहा है ऑलरेडी हमने इसको बात किया नियर अबाउट नाइनटी नाइन नाइन्टी थाउजेंड आपका आई थिंक टच कर चुका है एंड uh, एक लाख भी जा सकता है विच इज वेरी वेरी अपसोर्ड जो वीट प्रोसेसर्स है वो बोल रहे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी हटाइए जो फोर्टी परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी आपने लगा के रखा हुआ है गेहूँ के ऊपर उसको हटाइए ताकि हम जो है लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकें और ये एक मतलब इतना इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगा के रखते हैं ताकि जो लोकल जो वीट ग्रो कर रहे हैं उनसे जो है प्रोक्योर किया जा सके और जैसे आपको पता है कि एमएसपी वाला जो कांड है एम एस पी की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को उसी रेट पे खरीदना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा रेट पे खरीदना पड़ता है और इसमें दिक्कत ही होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट होता है चीज़ों का वो बढ़ जाता है सो so, इंडिया को अभी जो इंडिया का हालत है राइस और वीट या जो दाल है उसको तो हमें इम्पोर्ट ही करना चाहिए क्योंकि दूसरे देश के पास जमीन है Uh, और ऑटोमेशन है उसको उगाने के लिए हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है ज़मीन बहुत कम है और तो ज़मीन पे इतना टर्म पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं ना कि उसका उपज जो है वो आस्ते आस्ते कम हो रहा है सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रॉप्स विच आर ईलिंग मोर मनी दैट इज़ ऑयल विच इज़ प्रोड्यूसिंग ऑयल मस्टर्ड ऑयल हो गया या जो भी ऑयल हो गया ऐसे ऐसे चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिससे ज़्यादा इनकम होगा एंड जो राइस है ये सारी चीज़ें हैं उसको सर्टन लेवल तक हमें जो है वो इम्पोर्ट करना चाहिए जे एस डब्ल्यू सीमेंट तीन हज़ार करोड़ का एक आपका जो है यूनिट बनाना चाहते हैं आपका इसको बोलते हैं आपका क्रशिंग यूनिट क्रशिंग यूनिट बनाना चाहता है कहाँ पे नव राजस्थान में ताकि जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उसमें आपका सप्लाई कर सके और जैसे मैंने आपको क्वालिटी बताया था स्टील सीमेंट ये सारी चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स आपका लोकल लेवल पर होता है बिकॉज दीज आर वेरी हैवी गुड्स और सीमेंट जो स्पेशली सीमेंट जो है वो आपका सीजनल चीज होता है कि आज बनाया तो आपको कुछ जल्दी उसको कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मार्शा घुसने घुसने से वो उसका वो खराब हो जाता है उसका क्वालिटी खराब हो जाता है पी स्कीम के माध्यम से तीन ई वी को जो है आपका एडवांटेज या बोल सकते हैं कि इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा बट कुछ कंपनी जिन्होंने चूना लगाया था जैस दैट इज हीरो इलेक्ट्रिक ओकिनावा किनावा बेनलिंग तो इन्होंने क्या किया था इनको बोला गया था कि भाई आप जो है ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे चाइना से लेके असेंबल करके नहीं बेचेंगे बट इन्होंने वही किया था कि चाइना से माल लेके आए यहाँ पे असेंबल करके भेज दिया पकड़े गए तो फिर इनको डी बार कर दिया गया था और यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि दे मे बी बार्ड परमानेंटली तो करने से तो अच्छा ही है बट दूसरे नाम से वो फिर वहाँ पर एंट्री मार लेंगे तो कोई आप कुछ कर नहीं पाओगे सो so, इंडिया का जो मार्केट काफ है इट हेज एडेड ट्रिलियन डॉलर इन समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक सौ सत्रह दिन के अंदर एक ट्रिलियन डॉलर जो है आपने ये इतना पैसा जो है वो इंडिया में आया है यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में आया है, है और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैपिटल मतलब बेसिकली जो कैपिटल uh, अवेलेबल है दैट इज क्वाइट हाई विच इज डेफिनेटली गोइंग टू इनक्रीज दी एवरेज बोल सकते हैं एवरेज प्राइस ऑफ ईच स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट और ऑलरेडी जैसे हमने बात किया था कल भी मैंने बताया था कि आपका क्या हो रहा है आपका मेटल सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलग अलग रीजन है बट स्टिल आई होप यू अंडरस्टूड दिस सो एनी वे दैट्स इट जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो मैंने कवर कर दिया थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं स्वास्त्री मास्त्री और कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाइए रजिस्टर कीजिए और सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे वेबसाइट पर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय एंड आई एल सी यू टूमारो टेक केयर बाय